This video we will discuss about the permanent magnets and electromagnets. So first initially I will start with the definition. सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं कि जो permanent magnets है उनको हम पहचानते कैसे हैं. तो permanent magnets इसका जो नाम ही इस तरीके का है कि permanent magnets की जो definition रहेगी कि substance which at room temperature रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. हम लिखना पसंद करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स. ओके, आर द सब्सटेंसेस, आर द सब्सटेंसेस विच एट रूम टेम्परेचर, which at room temperature retain their ferromagnetic properties, retain their ferromagnetic properties for a long time. Okay, such materials, such substances are called permanent magnets. So you can make the permanent magnet, can be made by variety of ways. They can be made by variety of ways. इनको बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर. यहाँ लिखते हैं मोस्ट एफिशिएंट वे, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट. व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, एक आप सोलेनोइड लेंगे, यू टेक ए सोलेनोइड और सोलेनोइड के बीच में आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दीजिए, इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए एंड टेक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पुट दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड. व्हाट विल हैपन देन, इट विल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड म्यू नॉट टाइम एन आई, सो दिस विल मैग्नेटाइज द this ferromagnetic material. Okay, this is the way to make the permanent magnets. अब हमें ये choose करना है कि कौन कौन से material ऐसे हैं जिनका permanent magnet बनाया जा सकता है. Okay, material suitable for making permanent magnets. Permanent materials suitable for making permanent magnets. So these materials should have high permeability. Material should have high permeability. उसका permeability ज़्यादा होना चाहिए. Number two, it should have high retentivity. नंबर थर्ड एंड या एंड करके लिख देते हैं एंड हाई कोरेसिविटी. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी. हाई, देखिए परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा, इसको पहले समझना है आपने. परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आपने जब परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो उसका तरीका क्या बताया, मोर एफिशिएंट वे
आपने इस सोलेनॉइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर इसको रखना है। तो परमेबिलिटी यदि ज़्यादा होगी तो ये जो सोलेनॉइड का, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो इस सैंपल के बीच में से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस आराम से गुजर जाएंगी। यदि परमेबिलिटी ज़्यादा होगी मीन्स परमिशन ऑफ द मटेरियल ज़्यादा होगी, ऐसे समझना है आपने, कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे ही सोलेनॉइड के इसके अंदर से गुजरेंगी, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। दूसरा, इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी का मतलब है ये संभाल के ज़्यादा रखे। रिटेंटिविटी की वैल्यू ये होती है, आप हिस्टेरेसिस कर्व को याद करें कि जब आप यहाँ इस पॉइंट के ऊपर H को ज़ीरो कर देते हैं तो जो सैंपल जो पहले अनमैग्नेटाइज होता है, दोबारा फिर से उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो रैंडमाइज नहीं होते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फील्ड। उसमें फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रह जाता है, मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है, उसकी वैल्यू को बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। सो ये जो रिटेंटिविटी का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रख सके, इट शुड बी हाई। और जो थर्ड थिंग है उसकी जो कोरेसिविटी है, कोरेसिविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप रिवर्स फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डोमेन्स होते हैं वो फ्लिप करते हैं टिल द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज जीरो, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे मटेरियल जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। अब हमारे पास यदि कुछ मटेरियल है, मैं उनका एक कंपैरेटिव ग्राफ बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, ये एक कर्व है, सेम हिस्टेरेसिस कर्व, दिस इज सेम हिस्टेरेसिस कर्व। मटेरियल है आपके पास सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए जो बी एच कर्व होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसे ही जो दूसरा मटेरियल है उसको हम स्टील चूज कर लेते हैं, तो स्टील के लिए जो बी एच कर्व है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो आयरन है वो रिटेन तो ज़्यादा रखता है, जब आप फील्ड को हटाते हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लेता है पर लूज एकदम से कर देता है। स्टील क्या करती है, स्टील रिटेन तो कम करती है पर लूज नहीं करती आराम से। रिटेंटिविटी बताती है कि रिटेन कितना करके रखती है, कोरेसिविटी बताती है संभाल के कितनी देर रखती है। तो स्टील जो है रिटेन तो थोड़ा रखती है, संभाल के ज़्यादा रखती है। इसलिए आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो लंबे समय तक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को संभाल के रखेगा फॉर द लॉन्ग टाइम, उनका ही परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। दिस मीन्स स्टील इज मोर सूटेबल फॉर मेकिंग द, स्टील इज मोर सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, अब आपको यदि याद रखना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप एक मेमोरी ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्टीप से याद रखना आपने। स्टीप में स्टी, ये स्टील को रिप्रेजेंट करेगा और पी वाला पार्ट परमानेंट मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट, और कुछ अदर मटेरियल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स, other materials for making permanent magnets, वो क्या क्या है, एक एलनिको, दूसरा सेकेंड इज कोबाल्ट स्टील एंड टाइकोनल, right? So this is all about the permanent magnets, and now we will shift our discussions to the electromagnets. So this is very very good study, it's to make the electromagnets. So it's to make electromagnets
material should have material should have material की क्या property होनी चाहिए should have high permeability material should have high permeability and second is low retentivity low retentivity material should have low retentivity इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकदम से मैग्नेटाइज हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाए पर उसको संभाल के ना रखे ज़्यादा देर ये इसेंशियल फीचर है मतलब परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप ये देखिए परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में आप मैग्नेट को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखें इसका मतलब समझिए इसको जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में रखें व्हाट विल हैपन कि वो सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसके बीच में से गुजर जाएं ये मतलब है इसका हाई परमिएबिलिटी का ये मटेरियल आराम से परमिशन दे दे लाइंस ऑफ फोर्सेस के इसके बीच में से गुजरने की पर जैसे ही आप सोलेनॉइड के करंट को स्विच ऑफ करें तो एकदम से वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को खो दे ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स So soft iron is suitable for making is suitable material for making the electromagnets. अब soft iron के पास एक property होती है कि उसकी permeability ज़्यादा होती है means एकदम से magnetize हो जाता है और जब आप extra field को हटाते हैं तो एकदम से demagnetize भी हो जाता है so, this is a suitable material for making the permanent magnet. उसका जो ये retentivity की value जो होती है जैसे OB वाला part जो है ये कम होती है So we increase the magnetism of the solenoid by 1000-fold. जब हम magnetism increase कर देते हैं 1000 times जब आप एक soft iron की इसके बीच में रखते हैं but then we switch the off the current what will happen? It will lose its magnetism. So ऐसा होना चाहिए कि जिस material का आप electromagnets बनाते हैं उसका जो हिस्टेसिस कर्व है वो बहुत नैरो होना चाहिए जैसे आपको मैंने पिछले पेज पर भी बताया यहाँ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट आयरन को देखिए इसका जो हिस्टेसिस कर्व है वो नैरो है तो ऐसे मटेरियल जिनका हिस्टेसिस कर्व जो है वो नैरो होता है उसमें एनर्जी लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन स्मॉल होता है हीटिंग लॉस भी कम होता है तो ऐसे ही मटेरियल का हम को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक बेल्स में लाउड स्पीकर्स में टेलीफोन में डायफ्राम्स और जो जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द क्रेन्स टू लिफ्ट द मशीनरी आल्सो सो दे आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिस इज ऑल अबाउट द दिस वीडियो And if you do have some complaint, then you can write in the comment box. With this video, we will end up this magnetism and matter. We will meet in the next video in the new unit, which is the new chapter, which is electromagnetic induction. Till then, goodbye.